कैथल के पुंडरी में एक संस्कृत अध्यापक ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि यह आरोप लगाते हुए मृतका के भाई प्रदीप निवासी गांव गोली ने थाना पुंडरी में हत्या का केस दर्ज करवाया है। हत्या का कारण घरेलू विवाद बताया गया है। मृतका अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 32 वर्षीय मनीषा उर्फ मुनेश की शादी 14 साल पहले जयप्रकाश निवासी पुंडरी के साथ हुई थी। आरोप है कि जयप्रकाश मनीषा के साथ झगड़ा करता रहता था। इस बारे में कई बार पंचायतें भी हुई, किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। आज मनीषा की जेठानी ने प्रदीप के पास फोन किया कि मनीषा का शव कमरे में पड़ा है और खून निकल रहा है। इस पर प्रदीप अपनी माँ भाई व अन्य के साथ पुंडरी आया तो देखा कि मनीषा के सिर मुंह व बाजू पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और फोरेंसिक टीम ने भी सैंपल जुटाए हैं। थाना पुंडरी प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान लिए गए हैं। आरोपी अपनी पत्नी के बारे में जमीन पर खून से अपशब्द लिखकर हत्या के बाद मौके से फरार है। वही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सुबह हमें सूचना मिली थी कंट्रोल के द्वारा। SHO भी मौके पर आ गया और चौक इंचार्ज भी और DSP FSL की टीम हमने बुला ली। तो सुबह सूचना मिली थी कि इसका जो देवर है उसने सूचना दी थी कि मेरी भाभी का मेरा भाई है ना, उसको मार के और रात को फरार है। तो उसकी हमने टीम में लगा दी है। ये भागने वाला जयप्रकाश ही, मरने वाली मुनेश है। इनकी 13 साल हो गए शादी को और इनका एक गुड़िया है 13 साल की और 9 साल का लड़का है। और अभी जांच में जो भी सामने आएगा जल्दी से जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, डॉक्टर की टीम बुला के। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक